अरे उठाए दियो नंद किशोर, कहाँ जा रहे हो बिटुआ? कहीं नहीं बुआ जी। पैकेट में कहाँ है बिटुआ? वो बुआ जी कुछ नहीं, एक तोहफा है बस। तोहफा? नंद किशोर कौन के लिए है वो बुआ जी? वो लो ये दोनों भी आएंगे। ईता पूजा करन गई रही के होली खेलन? अरे सिंदूर पूजा की थाली में रखने के लिए होत है, मुंह पे मलने के लिए नहीं है। वो राक्षस अर्नब सिंह रायसा था जी, जब भी वो हमसे मिलता है ना कुछ गलत होता ही है। हाय रे नंद किशोर, वो लुच्चा लफंगा हुआ भी पहुंच गया। वो तेरे पीछे तो नहीं पड़ा है? अरे नहीं बुआ जी, वो तो वहां अपनी बहन के साथ आया था, अंजलि जी। भाई बहन में कितना फर्क है, अंजलि जी कितनी अच्छी है और वो राक्षस है, राक्षस। और पता है बुआ जी, हमें आज पता चला कि वो जो आकाश सर है ना, जिन्होंने हमें घर छोड़ा था, वो भी उसी के भाई है। आकाश तो आकाश, अब कितने लोग हैं उनके घर में, पूरा का पूरा खानदान हमारे पीछे पड़ गया है का? खुशी चलो ना जल्दी से मुंह हाथ धो लेते। देवी मैया, बुआ जी ये थाल कितना भारी है। कुछ भारी भारी नहीं है, तुम भी बहुत नाजुक कली हुई गई हो। जाओ भीतर जाओ और जाके मुंह हाथ धो लो। जाओ, आफत है कि खत्म ही नहीं होता है। एक से क्या होगा, और अगर खा भी लिया तो थोड़ी ना रायजादा हाउस में पता चलेगा। मैंने नहीं खाया, आई प्रॉमिस मैंने नहीं खाया। क्या लावण्या? ओह हाय दीदी। हाय। वो हमने आपको इसलिए फोन किया था कि हम आपको याद दिला दें, आज शाम को आपको चांदनी चौक के शिव गौरी मंदिर में आना है, वहां पे हम अपना व्रत भी तोड़ लेंगे और आप अपना व्रत भी तोड़ लीजिएगा और पूजा भी हो जाएगी। ओके दीदी मैं आ जाऊंगी। और हाँ, अगर आप कुछ इंडियन पहन कर आएंगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो क्या है ना, घर वाले भी होंगे और पूजा भी है तो। ऑफ कोर्स दीदी, एक्चुअली मैं भी वही सोच रही थी। लावण्या हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमारे कहने पर व्रत रखा। नॉट अ प्रॉब्लम दीदी, मैं ये सब अपने लिए तो कर रही हूँ। आई मीन एएसआर के लिए, अपने प्यार के लिए जो बिल्कुल सच्चा है, और ये साबित करने का एक ही मौका है। तो फिर ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। ओके दीदी बाय। लावण्या ने हमारे कहने पर व्रत भी रखा और पूजा पे भी आ रही है। लावण्या की कोशिश ही बहुत है। अच्छा तो ये बात है, बस एक बार सासू माँ ग्रीन झंडी हिलाए दे तो हम अर्नब बेस कश्यप का कार्ड छपवाए के अपन आकाश बिटुआ के साही मैरिज के प्रिपरेशन में लग जाए। हेलो हाय बाय बाय, बड़ा मजा आई। रब्बा वे, हो रब्बा।
तुमने जो कल तक मैं उसकी बातों से परेशान था, तो फिर आज उसका यूं चुप रहना क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या हो गया है मुझे? क्या हुआ खुशी, कहाँ खोई हुई हो? वो अर्नब सिंह रायसा था क्या? हाँ जी जी, पता है आज हमने ना ही उससे बात की और ना ही उसके मुंह लगे, फिर भी हम उसी के बारे में सोच रहे। पता नहीं उसके बारे में सोचकर अपना दिन क्यों खराब करें, जबकि अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम नहाने जा रहे। अरे ये दाग अभी तक निकला नहीं। ऐसन लागत है जैसे हमरा मेकअप किटवा गिर गया हो बिटुआ के ऊपर। तभी तो छोटे को हम समझाते नहीं थकत है कि जिंदगी में थोड़ा सावधान होई के चलिए। नहीं तो कौनो दाग कब लग जाए पता नहीं चलत है, और हर दाग इतने आसानी से नहीं जा सकत है। सासू माँ, ये तो वाशिंग पाउडर का आयल लागत है। अरे पाउडर यहाँ का कर रहा है? रूमवा में लाए के लिए कहे थे ना। रत माँ शरबत मंदना माँ। हेलो, हाय, बाय बाय। कितना छुपाए की कोशिश की पर आखिर आइस पाइस हो ही गए। वो कहा है ना सासू माँ, उम्र के हिसाब से सेहत की खातिर अब व्रत वगैरह में थोड़ा चीटिंग चलत है। वो कहा है ना, पहले तो हम एकदम निर्जला व्रत रखे रहे, लेकिन अब ना ही होवत है उम्र के हिसाब से। नानी, इस व्रत में तो शरबत पी सकते हैं ना? तो काउ लावण्या कसब ऐसा व्रत रखा थे छोटे के खातिर? नानी ऐसी बात नहीं है, आपको पता है लावण्या ने एक भी बूंद पानी नहीं पिया सुबह से, और वो शाम को चांदनी चौक मंदिर भी आ रही है अपना व्रत तोड़ने। आज शाम को मंदिर में यही साड़ी पहनना है, पकड़ो। सच में बुआ जी? जी जी, हम ये पहनेंगे। थैंक यू बुआ जी। अरे चल चल चल। प्राण लियोगी का आनंद किशोर? हरे राम। ये देखो, नंद किशोर साड़ी पहनने के नाम पे कैसे तितलियों के जैसे फुदक रही है। खुशी जी, हमें अभी अभी याद आया, आप कुमकुम का रंग हटाने के लिए बेसन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? अरे श्याम जी, हमने कर भी लिया, पता है आज अंजलि जी ने भी हमसे यही कहा था। आज सुबह जब हम बेसराय में मिले थे, उनका ये नुस्खा बहुत काम आ गया। वैसे आज शाम जब हम उन्हें चांदनी चौक वाले मंदिर में मिलेंगे ना, उन्हें थैंक यू जरूर कहेंगे, है ना जीजी? तो आप चांदनी चौक जा रही हैं? हाँ, हाँ। आपको पता है लावण्या ने एक भी बूंद पानी नहीं पिया अभी तक। आपको इंप्रेस करके खातिर अंजलि जो कह रही हूँ उसे। ये सच है का अंजलि? आपने लावण्य से कहा व्रत रखने के लिए? हम जानते थे वो लड़की अपने आप से ये दान धर्म सोचे नहीं सकते। सासू माँ, ये तो आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हुई रही है। अरे व्रत ऐसा रखे चाहे वैसा काहे ले रही है टेंशन? व्रत रखी तो है ना, ऊपर से मॉडर्न कहानी
का हुआ? अंदर से तो दिल है हिंदुस्तानी। उनको क्या लगता है कि व्रत रखने से हम उन्हें अपने बहुरिया स्वीकार कर लेंगे? उनकी सोच गलत है। व्रत रखने से दिल साफ नहीं होते हैं।